हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस मैथ्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में हमने यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ऑर्डर डिग्री एंड लाइक हाउ कैन वी फॉर्म द डरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उससे रिलेटेड फैमिली ऑफ करो के टॉपिक्स बारे में डिस्कस कर ले इसके आगे के सारे वीडियोज़ और इसके पीछे के सारे वीडियोज आपको हमारी प्ले में मिल जाएंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यहां पे आपको एकदम कंप्लीट कंसेप्ट वाइज पूरा ओडी का टॉपिक जो वो करवाया जाएगा और हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज है वो सारे यहाँ पे मैं अपलोड कर भी रहा हूँ और कुछ अपलोड किए हुए भी, भी हैं आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं प्ले को देख सकते हैं इस वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूरा कंसेप्ट वाइज बताऊंगा और एग्जाम्स में किस तरह से करना होता है अगर आप इवन आप अगर लाइक बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बी में है या आप एम में है लाइक जहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉलेज एग्जाम्स के बारे में और कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में उसमें भी आप कैसे कर सकते हैं दोनों टाइप के केसेज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आउ टू नो अब दैट वट इज द कॉन्सेप्ट बिहन दैट एंड नाउ विल लाइक मूव टू दी प्रोसीड टू दी ट्रिक्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्यूशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है किस टाइप का सॉल्यूशन है वॉट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन बट उसके लिए सोल्यूशन के टाइप्स जानने होंगे सोल्यूशन के टाइप जो होते हैं जनरली तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं बेसिकली बता जाता हूँ हमारे पास में कोई भी ओडी होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं

ठीक है अब जनरल सोल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है नंबर ऑफ आर्बिट्री मैंने कहा कि वैल्यूज चेंज होती जाती है ये अपने हिसाब से अपन इसको चूज कर सकते हैं तो उसके जो नंबर्स होते हैं उतना ही अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है या फिर आप कह सकते हैं जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही आपको आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मिल रहे हैं तो वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है सिंपल सिंपल से डेफिनेशन से इसकी यहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सॉरी एक है, एक सॉल्यूशन गिवन गिवन है है सर्कल जो कि ए कॉमा जीरो पर प्रेजेंट है इसका कॉर्डिनेट सेंटर कहां पर है अगर मैं इसके सेंटर की बात करता हूँ तो वो ए कॉमा जीरो पर है तो यहां पे कह रहा है कि ये एक जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसी से बनी है ये इसका डिफरेंशिएशन करने पे तो आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर जो है वो कितना है हाइस्ट ऑर्डर जो मिल रहा है आपको वन मिल रहा है तो एक यहाँ पे आर्बिट्री ये पैरामीटर है दिस इज नॉट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ये पैरामीटर है आर जो है वो यहाँ पे पैरामीटर चीज ध्यान रखें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट देख रहे हैं आप यहाँ पे एक ही है इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो वन मिल रहा है आपको सिंपल सी बात इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा फॉर सिंपल एक मैं बात करता हूँ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट है ठीक है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 0. आप देख रहे हैं, यहाँ पर कितना है एक है एक ही यहां पर कांस्टेंट है ऑर्डर तो एक, का एक मिल रहा है अगर मैं बात करता हूं y इक्वल्स टू सी वन ई टू द्लस सी टू टू दी एक्स दो कांस्टेंट मिल रहे हैं ये भी एक जनरल सॉल्यूशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कितने है? दो ठीक है तो ऐसे आपको जनरल सोल्यूशन को पहचानना होता नाउ कम टू पर्टिकुलर सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन जो होते हैं वो बेसिकली अच्छा जनरल सोल्यूशन जो है वो एक क्या कर रहे हैं फैमिली ऑफ कर्व को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज चेंज करोगे वो कर्व चेंज होते जाएंगे अगर आप एम की वैल्यू इसका मतलब बात क्या हो गया एजा लाइन जो ओरिजिन से पास होता है पे है 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 ना कुछ भी ले सकते सिंपल सी चीज़ ठीक तो इसलिए तो क्या हो सकता फैमिली ऑफ कर्व को डिफाइन करता है ये किसी एक curve को define नहीं करता अब next definition ही इसी पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है वो पर्टिकुलरली एक एक curve को ही डिफाइन करता है एक curve पर ही वो बात करता है ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें पे की वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा चूज करना पड़ेगा तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए इसमें a इक्वल टू वन पुट कर देता हूं तो x माइनस वन होली स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ये मेरा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया मान लो यहां पे a इक्वल टू टू पुट कर देता हूँ ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया आप इसकी वैल्यूज चेंज कर दो सिंगुलर सॉल्यूशन की तो जनरल सॉल्यूशन हो हो होता? होता? मतलब तो होता है न ही ये जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है ये डिफरेंट टाइप का सोल्यूशन है वो हम क्वेश्चन करेंगे ना तब तो आपको क्लियर हो जाएगा एनवेलोपिंग का मतलब ये जनरल सोल्यूशन से ही आता है लेकिन जनरल सोल्यूशन एनवेलॉप क्लोज करने का ही काम करता है कैसे करता है देखिए यहाँ पे आपको है, uh, okay, रूट वाई तो और इसको लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा टू डी uh, से लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट माइनस वन ओके इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने क्या कर दिया सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन किया वेरिएबल से हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया ओके okay, अभी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक एक कांस्टेंट यहां पे लिखा जाएगा जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ लिखा जाता है तो ये क्या हो जाएगा अगेन क्या हो जाएगा रूट वाई हो जाएगा और ये आ जाएगा यहां पे टू तो टू एक्स प्लस सी तो ये हो जाएगा टू रूट वाई माइनस टू एक्स इक्वल्स टू सी अब आप देखो ये इसका सोल्यूशन आया डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन जो है वो जनरल सोल्यूशन है ये क्या है जनरल सोल्यूशन है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करता हूं तो वो एक है और मुझे कॉन्स्टेंट भी कितने मिल रहा है नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जो है वो कितने हैं एक है तो ये क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा अब यहां पर आपको क्या आपको एक आईवीपी दे रखा आईवीपी मतलब होता है इनिशियल वैल्यू मतलब एक कंडीशन दे रखी है ऐसा समझो अभी आप आईवीपी बीवीपी के बारे में हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे यहां पर आपको एक कंडीशन दे रखी है मतलब क्या कह रहा है कंडीशन ये कह रहा है कि एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वाई का वैल्यू वन है इसका मतलब ये होता है ठीक है तो यहां पर अगर मैं एक्स का वैल्यू जीरो रख देता हूँ और y का वैल्यू वन रख देता हूं तो ये क्या हो जाए? इस IVP की हेल्प से हम बात कर रहे हैं तो यहां से आपको ना कॉन्स्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा तो का वैल्यू क्या हो जाएगा टू c का वैल्यू आ गया टू तो ये क्या हो जाएगा टू रूट वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू टू आपको एक एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टू रूट वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू 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 से टू कैंसिल हो गया तो रूट वाई इज इक्वल टू एक्स सॉरी रूट वाई अपॉन वन अपॉन एक्स रूट वाई वन अपॉन एक्स और वाईस टू वन अपॉन एक्सर यह आपको क्या मिल गया, एक मिल गया। ये एक पर्टिकुलर है अब इसका वैल्यू फाइन करोगे तो वो एक सिंगल कर आपको लेकिन इसका वैल्यू जो फाइन कर रहे थे तो तो क्या हो रहा था सी पे डिपेंड कर रहा था सी वैल्यू चेंज किया करो चेंज हो गया लाइक करो की जो नेचर है वो चेंज हो गया करो तो भी रहेगा करोगे नेचर चेंज हो गया ठीक है तो ये सिंपल बात है इसलिए इसको कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर वाई जीरो इक्वल टू वन वन सी इक्वल टू टू ना कम टू दी सिंगुलर सोल्यूशन इसी का हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल दिया इसी का जनरल सोल्यूशन निकाल दिया अब जरूरी नहीं है कि हर डिफ्रेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सोल्यूशन हो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होता है इसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है सोल्यूशन जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिसफाई करते हैं मतलब अगर मैं ये ने ये y वाईक्वल पुट किया है अगर मैं इसको यहां रख देता हूं तो मुझे सेम वैल्यू ही मिलेगी फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स इसको आप यहां पे उठा के रखो क्या है वाई डेस होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई वाई इज वन अपॉन एक्स और इसको रखोगे तो वन अपॉन एक्स टू फोर वन अपन एक्स कांस्टेंट है इसको छोड़ो कांस्टेंट है इसको छोड़ो ये क्या रहा? Upon x square, upon x square की equal आ रहा है इक्वल आ रहा है क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर केस के लिए बात किया था ठीक है आई भी दे रखा तो आप देख रहे हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है कॉन्टेंट से अपने को मतलब नहीं बट यहां पे सिंगुलर सॉल्यूशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये चीज अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है तो अगर मैं यहाँ पे वाई इक्वल्स टू जीरो ले लेता हूं तो y भी क्या होगा जीरो होगा इन दोनों वैल्यूज को मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करता हूं वाई डैस होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर वाई तो भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप इसको रखोगे तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा डिफरेंशिएशन करके जीरो जीरो मैंने रखा तो ये भी क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो सेटिस्फाई करता है वो तो ऑब्वियस है सॉल्यूशन तो होगा ही इसका मतलब ये हुआ सिंगुलर सॉल्यूशंस में यहां पे आप देख रहे हैं जीरो इक्वल्स टू जीरो एक पर्टिकुलर जीरो जीरो पर ही वैल्यू वो दे रहा है सिंगल पर्टिकुलर ऐसा वैल्यू तो ट्रीवियल कहते जिसको ठीक है ट्रीवियल जीरो जीरो पे मिल रहा है। ये सारे नॉन ट्रीवियल्स होंगे सॉल्यूशन ट्रीवियल सॉल्यूशन आपको जो मिलता है वो, वो ही क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशन होता है आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी इसको सेटिस्फाई करेगा इस टाइप से जो सॉल्यूशन होता है उसको सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं अब एक चीज जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में और आगे जो हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत हेल्पफुल रहेगी वो होती है आपको सोल्यूशन का नेचर फाइंड करना अगर आप बात करते हैं यूनिक सोल्यूशन की ओके यूनिक सॉल्यूशन की अगर आप बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की आप बात करते हैं नो no सॉल्यूशन की तो ये सारे केस आपको कब मिलेंगे इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं यहां पे ताकि हम जब आगे सॉल्व करेंगे ये बेसिकली आईवीपी जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें ज्यादातर ये काम आता है जब भी आप कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर रहे हो और आईवीपी का वैल्यू मान लो इस टाइप से मिल रहा है सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स ए मिलने का मतलब है पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल यहां देखो हमने आईवीपी को सॉल्व किया सी वैल्यू मिल गया तो ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया इसका इस पॉइंट पर क्या मिल गया इसका यूनिक सॉल्यूशन मिल गया एक ही सॉल्यूशन आपको मिल रहा ठीक है अगर हम बात इनफाइनाइट सॉल्यूशन की इसका मतलब होता है जीरो इंटू सी अगर ऐसा कहीं केस बन जाए जीरो इंटू सी इक्वल्स सॉरी जीरो इंटू सी इक्वल्स जीरो तो ये क्या हो रहा है जीरो इक्वल जीरो हो रहा है लेकिन ये सी ही खुद ही यहां से गायब हो रहा है ऐसी आईवीपी आ रही है जहां पे जीरो इंटू कॉन्स्टेंट सी मीन्स कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ये जो केस होगा वो इंफानिट का होगा और अगर कहीं ऐसा मिल रहा है जीरो इंटू सी इक्वल टू ए तो क्या ए या फिर ये कोई कॉन्स्टेंट है जो कि जीरो नहीं है क्या वो जीरो हो सकता है हम कंडीशन ही दे रहे हैं जीरो इक्वल नहीं है तो इट मीन जीरो नॉट इक्वल टू ये तो ये नो सॉल्यूशन का केस होगा तो ये तीन टाइप के और नेचर होते हैं सॉल्यूशन के लेकिन ये टाइप्स ऑफ सल्यूशनस होते हैं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सॉल्यूशन आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा सो थैंस फॉर वॉचिंग माई वीडियो कीप वॉचिंग एम्थ मैथ एंड इस टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सारे वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट लिंक में अटैच है थैंक यू बाय बाय